मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 3 के व्याकरण वाटिका का चौथा चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो अब आती है आपकी बारी। आपने जो चैप्टर नाम की जगह सर्वनाम पढ़ा, उसको आपने कितना सीखा? तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप खुद सॉल्व करिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपने दोस्तों के लिए आप किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आप इसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए। नीचे लिखे अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों पर रंगीन पेंसिल से गोला लगाइए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें सर्वनाम शब्द कौन सा आएगा उसको हम गोला लगाएंगे। बंदर बहुत नटखट और नकलची होते हैं, कुछ तो हमारी और तुम्हारी तरह बोलने की कोशिश भी करते हैं। ये इतने चतुर और बुद्धिमान होते हैं कि रंगों की पहचान करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। इनमें से कुछ हमसे काफ़ी मिलते जुलते भी होते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं कुछ, हमारी, तुम्हारी, ये, इनके, इनमें, हमसे। अब आते हैं खाली स्थान पर। सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान में लिखें। तो पहला में तो आंसर दे दिया है, जिसमें है खाली स्थान तुम्हारी बहन हूँ, तो यहाँ पर आएगा मैं तुम्हारी बहन हूँ। यहाँ पर उत्तर दिया है, इसको हम छांट कर यहाँ पर लिखेंगे। माँ खाली स्थान बहुत ध्यान रखती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। खाली स्थान देखने की अनिला भाग गई, तो मुझे देखते ही अनिला भाग गई। खाली स्थान साथ ही रहेंगे, हम साथ ही रहेंगे। जो शब्द सर्वनाम पर सही, उन पर सही टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर है जो सर्वनाम दिया गया है, इसमें से हम ढूंढेंगे कौन सा सर्वनाम है और उसमें टिक लगाएंगे। सुंदर गुलाब वह, तो इसमें सर्वनाम है वह। उसे चिड़िया सविता, इसमें सर्वनाम है उसे। पिताजी तुम प्यार, इसमें है सर्वनाम तुम। बैठो देश आप, तो इसमें सर्वनाम है आप। घर मेरा बगीचा, इसमें सर्वनाम है मेरा। तब आते हैं आगे। दिए गए वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द जिस किस संज्ञा के लिए आए हैं खाली स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर जो संज्ञा नाम पर आए हैं उसको हम लिखेंगे। तो फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही है, ये बहुत सुंदर है। किस संज्ञा के लिए आया है? तितलियाँ, तो यहाँ पर दिया है तितलियाँ। तो एक तोता डाल पर बैठा है, वह फल खा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नाम है? तोता, तो तोता की जगह वह आया, तो यहाँ पर लिखेंगे तोता। लड़कियाँ जानवरों को देख रही हैं, वे डर रही हैं, तो यहाँ पर कौन डर रहा है? लड़कियाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़कियाँ। मालिन फूलों की माला बना रही है, वह गीत गा रही है। कौन फूलों की माला बना रही है? मालिन, यहाँ पर आएगा मालिन। अर्पित ने नई कमीज खरीदी, वह नीली है। क्या नीली है? कमीज नीली है। नदी में मछलियाँ तैर रही हैं, वे सुनहरी है। कौन सुनहरी है? मछलियाँ। इन शब्दों में सही सर्वनाम चुनकर नीचे लिखे कहानी पूरी करेंगे। यहाँ पर एक कहानी दिया है, तो हम सर्वनाम शब्दों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स की सहायता से हम उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर है एक पतंग और पिल्ले में हमारी दोस्ती थी, एक दिन वह हवा से पतंग कहीं दूर चली गई। पिल्ला उसे ढूंढता रहा, उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता न चला। वह बहुत देर तक खोजता रहा, फिर वह एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूँ। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसको खोज लाए। यहाँ पर हमने ये शब्द को भरकर इस कहानी को पूरा किया। तो अब आता है होमवर्क की बारी। आपकी माँ से पिकनिक पर जाने की अनुमति मांगते हुए 2-3 वाक्य लिखें, देखें कि उनमें से किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपने सर्वनाम शब्द पाठ भी पढ़ा, प्रश्न अभ्यास भी किया, तो आप अपनी माँ से पिकनिक स्कूल की तरफ से हो या अपने दोस्तों की तरफ से जाने की अनुमति मांगिए और उस सर्वनाम शब्द को उसमें प्रयोग कीजिए। देखते हैं कि आपने कितना सीखा। तो इसको आप अपने
व्याकरण बुक में इन प्रश्नों का पूरी तरह से लिखिए।